हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में हम एक प्रोफेशनल टेबल क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप 5 के थ्रू। तो VS कोड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करते हैं table.html के नाम से। और डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देते हैं। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है तो आपके पास HTML स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है डेटा टेबल। तो यहाँ पर jQuery का प्लगइन शो हो रहा है, लेकिन हम इसी का वर्जन यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप 5। यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 का टेबल शो हो गया है और यहाँ पर आपकी सर्च बार भी प्रॉपर वर्किंग करेगी। इसको यूज़ करने के लिए CSS के लिंक को वन बाय वन अटैच करेंगे। तो कंट्रोल सी करके VS कोड में लिंक टेक को ओपन करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड लिंक को भी कॉपी करेंगे, दोबारा लिंक टेक को ओपन करके पेस्ट कर देंगे। अब जावास्क्रिप्ट के टेक को वन बाय वन अटैच करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। VS कोड में स्क्रिप्ट src टेक ओपन करके इसमें पेस्ट करेंगे। फिर सेकंड लिंक भी ऐसी कॉपी करेंगे और VS कोड में पेस्ट कर देंगे। फिर थर्ड लिंक को भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट का टेक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेटा टेबल जो आईडी कॉल कर रहा है इस कोड को कॉपी करके स्क्रिप्ट के टेक के अंदर पेस्ट करेंगे। तो अब अपनी फाइल को ओपन करते हैं। अब हम एक कंटेनर ऐड कर लेते हैं। और इस टैग के अंदर h1 के टैग को ओपन करेंगे और यहाँ डेटा फिल्टर की हेडिंग इंसर्ट करेंगे और इसका थोड़ा डिजाइन सेट कर लेते हैं। यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और फॉन्ट फैमिली ऐड कर लेते हैं। और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं। अब HTML के कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ इसको कॉपी करेंगे। टेबल रोज जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं तो इन सबको कॉपी करेंगे और VS कोड में पेस्ट कर देंगे। अब फाइल को सेव करके चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर सर्च बार भी प्रॉपर वर्क कर रही है।
यहाँ पर आप रोज को भी मैनेज कर सकते हैं और लास्ट में आपके पास पेजिनेशन भी प्रॉपर वर्क करेगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।